नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, आज मैं पहली बार लाइव आ रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर और लाइव वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों से जुड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। एक्सपीरियंस नहीं है लाइव आने का, तो हो सकता है अगर मान लीजिए कोई गलती हो जाती है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे एक बार कमेंट करके बताएं कि क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है। गौरव यादव जी जुड़ गए हैं, राधे राधे, राधे राधे मेरे भाई। एक बार गौरव भाई अगर आप देख रहे हैं तो मुझे जरा कमेंट करके बताइए कि मेरी आवाज आ रही है क्या। अच्छा, युवराज सिंह बोल रहे हैं जय श्री कृष्णा, जय मुरलीधर। ओके, आ रही आवाज भैया। ललई जाटव एक नंबर का, ठीक है भाई, बिल्कुल बिल्कुल, तो आ रही है। ओके, बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, आज जो मैं लाइव आ रहा हूँ आप सभी लोगों के बीच में, इसका मुद्दा क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। जी, आपका आवाज़ परफेक्ट आ रही है, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोगों के जो भी सवाल हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मुझसे लास्ट में पूछेगा, पहले मैं अपनी बातों को कर लेता हूं, ठीक है। तो मुद्दे क्या है इस लाइव वीडियो के, ज़्यादा लंबा मैं लाइव वीडियो को नहीं लेके जाना चाहता हूं। तो मुद्दा क्या है, मुद्दा आज के इस वीडियो में ये है कि हम सबसे पहले बात करेंगे ललई सिंह यादव के ऊपर। आजकल जो दलित विचारधारा के लोग हैं वो ललई सिंह यादव को यादवों का महापुरुष बताकर प्रचारित कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि ललई सिंह यादव ये जो दलित विचारधारा के लोग हैं उनका फेवरेट बन गया है। लग रहे हो भैया अकेले, महसूस मत करना। जी धन्यवाद पंकज जी, मैं आप सभी लोगों का बाद में जवाब दूंगा, ठीक है। तो पहले बताता हूं मैं आपको, तो मैं बताऊंगा आपको कि ललई सिंह यादव कौन था, क्यों दलित विचारधारा के लोग इसको यादवों का महापुरुष बोलकर प्रचारित कर रहे हैं। दूसरा मुद्दा जो है इसी से जुड़ा हुआ है कि भीमतावाद क्या होता है, भीमतावाद क्या होता है, यह भी इसी से जुड़ा हुआ है। तीसरा मुद्दा जो हम आखिरी में बात करेंगे, वो बात करेंगे जो अक्षय कुमार की मूवी आ रही है लक्ष्मी बॉम्ब, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो ज़्यादा वक्त आप लोगों का ना लेते हुए चलिए मैं इस वीडियो को शुरू कर देता हूँ। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि पिछले कुछ वर्षों से यादव समाज को शूद्र बनाने का प्रयास किया जा रहा है, काफ़ी समाज के विभिन्न वर्गों के द्वारा ऐसा किया जा रहा है, लेकिन इसमें सबसे आगे जो वर्ग हैं वो दलित विचारधारा के लोग हैं। दलित विचारधारा के लोग राजनीति के वजह से ब्राह्मणों से, राजपूतों से लड़ने के लिए यादवों को शूद्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग जानते हैं ये लोग अकेले राजपूतों का, ब्राह्मणों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये लोग यादवों का सहयोग लेना चाहते हैं। मैं जब भी वीडियो बनाता था तो हमारे कमेंट सेक्शन के नीचे कुछ लोग आते थे और वो लोग मुझे हमेशा बोलते थे कि भाई तुम ब्राह्मणवाद हो, तुम ब्राह्मणवादी हो, ब्राह्मणों के गुलाम हो, तुम ब्राह्मणों के गुलाम हो, तुम एक बार ललई सिंह यादव को पढ़ लो। हालांकि ललई सिंह यादव को तो मैं जानता ही था, ललई सिंह यादव को तो मैं जानता ही था, तो मैंने सोचा चलो एक बार इन लोगों के कहने पे मैं ललई सिंह यादव को थोड़ा बहुत पढ़ भी लेता हूँ। तो दोस्तों, जब मैंने पढ़ा तो मुझे मालूम चला कि जो ललई सिंह यादव था ये वाकई में यादव तो था ही नहीं, ये तो जाटव था। मैं आपको बिल्कुल सही कह रहा हूँ, इसका जन्म जो हुआ था वो एक यदुकुल जैसे सम्मानित कुल में हुआ था, जिसमें स्वयं हमारे आराध्य, हमारे पूर्वज भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। लेकिन इस ललई सिंह यादव के जो कर्म थे वो जाटवों वाले कर्म थे और ये जाति से जाटव हो गया, इसके कर्म जाटव थे। लेकिन दलित विचारधारा के लोग यादवों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ललई सिंह को यादवों का महापुरुष बताकर प्रचारित करने का काम करते हैं और कर भी रहे हैं बड़े धड़ल्ले से। क्यों, आखिर क्यों ललई सिंह यादव को दलित विचारधारा के लोग इतना ज्यादा प्रचारित कर रहे हैं? तो इसकी कुछ वजह है जो मैं आप लोगों को बता देता हूं। ललई सिंह यादव जो था यह एक खुद दलित विचारधारा का व्यक्ति था। जैसे दलित विचारधारा के लोग सनातन धर्म से नफरत करते हैं, जैसे दलित विचारधारा के लोग
राम को गाली देते हैं, कृष्ण को गाली देते हैं, हिंदू देवी देवताओं को गाली देते हैं, उसी प्रकार से ये भी सभी लोगों को गालियां देता था। इसीलिए दलित विचारधारा के लोग इसको पसंद करते थे। इसकी एक कहानी बताता हूं, बड़ी छोटी सी है, ललित सिंह यादव की। कहानी यह है कि एक बार की बात है, जब इसके क्षेत्र में सूखा पड़ गया था, सूखा पड़ने की वजह से जो दलितों के गांव में कुआं था उसका पानी सूख गया था, और यादवों का जो गांव था उसके अंदर जो कुआं था उसमें पानी अभी भी था। तो दलितों ने क्या किया, अब चूंकि उनको पानी की आवश्यकता थी तो वो यादवों के गांव में आ गए और उन्होंने यादवों के कुएं से पानी भरने की चेष्टा करने लगे। और जैसे ही इस बात की सूचना यादवों को हुई, उन्होंने अपने अपने लठ निकाले और दलितों में बजाना शुरू कर दिया। खूब पहला दलितों को, उनके पिछवाड़े में डंडा डाल दिया, उनके मुंह में डंडा डाल दिया, मतलब बहुत मारा। हालांकि मैं इसको सही नहीं बोलता हूँ, ये बहुत गलत किया यादवों ने। किसी के साथ भी इस तरह का काम नहीं करना चाहिए, गलत होता है, लेकिन यादवों ने किया। इस कहानी को मैंने आपको क्यों बताया, इस कहानी को मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये कहानी ललित सिंह यादव के गांव की है, ललित सिंह यादव से जुड़ी हुई है। और इस कहानी से एक बात तो सिद्ध हो जाती है कि जो ये दलित विचारधारा के लोग प्रचारित करते हैं कि यादव समाज के लोगों के ऊपर भी दलितों जैसा अत्याचार हुआ है, शोषण हुआ है, लेकिन इस कहानी से ये बात पूरी तरह से फेल साबित हो जाती है। अगर यादवों के ऊपर भी इस तरह का अत्याचार होता दलितों जैसा, तो यहाँ पर जो यादव समाज के लोग हैं वो दलितों के ऊपर अत्याचार ना करते और दलितों को अपने गांव के कुएं में से पानी भरने से मना नहीं करते। लेकिन यादवों ने ऐसा किया क्यों, क्योंकि हमेशा से ही सिर्फ दलितों के ऊपर ही इस तरह के काम होते थे। मैं इसको सही नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो ये लोग प्रचारित करते हैं, यादवों को अपने से कंपेयर करते हैं, वो इनकी गलत फहमी को दूर कर देना चाहता हूँ। आज भी आप गांव में चले जाइए, जिस पुलिया के ऊपर दलित समाज के लोग बैठते हैं, यादव समाज के लोग वहाँ पर बैठते तक नहीं हैं। ये हाल है गांव का। लेकिन ये सोशल मीडिया पे जो नवबौद्ध बने हैं, तथा कथित दलित बने हैं, ये अपने आप को यादवों से जोड़ने का काम करने लगते हैं। खैर, उस घटना को देखकर जो ललित सिंह यादव था उसको यादवों से नफरत हो गई और उसको बहुत ज़्यादा इस घटना ने धक्का पहुंचाया, बहुत ज़्यादा बुरा लगा। उसको लगा कि समाज के अंदर दलितों के ऊपर किस प्रकार से अत्याचार किया जाता है, और उसने मन ही मन में सोच लिया कि वो यादवों को सबक सिखाएगा। खुद यादव जाति में पैदा हुआ था, लेकिन उसने यादवों को सबक सिखाने का मन ही मन में ठान लिया, क्योंकि उसको वो घटना बहुत बुरी लगी थी। तो समय का पहिया एक बार फिर से घूमता है, और घूमने के बाद एक बार फिर से उसी क्षेत्र के अंदर सूखा पड़ता है, और इस बार उल्टा हो गया होता है। इस बार जो यादवों के गांव थे उनके गांव के अंदर में आने वाला जो कुआं था उसका पानी सूख गया था और यादवों को पानी की आवश्यकता थी, और दलितों के गांव में जो कुआं था उसमें पानी आ रहा था। तो यादवों ने दलितों के गांव में जो कुआं था वहां से पानी भरने की सोची, और इस बात का पता ललित सिंह यादव को चल गया। तो ललित सिंह यादव ने तो पहले ही मन में सोच लिया था कि यादवों को इस बार वो सबक सिखाएगा, और ललित सिंह यादव का जो परिवार था वो चौधरी परिवार था, उस पूरे क्षेत्र में ललित सिंह यादव का जो परिवार था उसकी काफ़ी ज़्यादा चलती थी। तो उसने दलितों को यादवों के खिलाफ भड़काने का काम किया और दलितों को एकजुट कर दिया यादवों के खिलाफ, और उनको बोल दिया कि इस बार दलित अगर यादव अगर तुम्हारे क्षेत्र में तुम्हारे कुएं का पानी पीने आए तो उनको पीने मत देना। ऐसा ही हुआ। जब यादव समाज के लोग गए उस कुएं से पानी पीने के लिए तो दलितों ने मना कर दिया। अब यहां पर दोनों के बीच में संघर्ष होने ही वाला था, लेकिन ललित सिंह यादव ने फिर यादवों को समझाया बुझाया, तब जाकर यादव समाज के लोग समझ गए कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैं इस काम की ललित सिंह यादव की तारीफ करता हूं, क्यों, क्योंकि समाज में किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन इस कहानी को मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि ये जो दलित समाज के लोग हैं ये यादवों को अपने बराबर का बताते हैं, अपने को अपने ही जैसा बताते हैं कि यादवों के साथ भी अत्याचार हुआ है, लेकिन ये बात सरासर झूठ है।
यादवों के साथ दलितों जैसा अत्याचार कभी नहीं हुआ, खासतौर पर जातिगत भेदभाव तो कभी नहीं हुआ। जरूर उन क्षेत्रों में हुआ होगा जहां पर यादव समाज के लोग आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर होंगे, बल्कि इसके विपरीत यादव समाज के तो कितने ही सारे राजवंश थे, कितने ही सारी जमींदारियां थी, कितने ही सारे राजा महाराजा थे। तो अगर यादवों के साथ इस तरह का अत्याचार वगैरह हुआ होता तो न यादव समाज के महापुरुष होते, न यादव समाज के कोई भी राजा महाराजा होते, ना राजवंश होते, ना राजवाड़े होते। ये राजनीति के लिए दलित समाज के लोग यादवों को बदनाम करने का काम करते हैं, यादवों को शूद्र बनाने का काम करते हैं। अब ललई सिंह यादव ने, बताया जाता है कि ललई सिंह यादव ने सच्ची रामायण नाम की किताब लिखी थी। अब यहीं से देखिए ललई सिंह यादव का कितना बड़ा दोगलापन आप सभी लोगों के सामने आ जाता है। ललई सिंह यादव ने सच्ची रामायण नाम की किताब लिखी और दलित विचारधारा के लोग प्रचारित करते हैं कि ललई सिंह यादव ने हिंदुओं के 33 करोड़ देवी देवताओं को कोर्ट में हरा दिया था। दोस्तों ललई सिंह यादव ने साउथ में एक पेरियार हुए थे, पेरियार स्वामी नायकर, उनके द्वारा लिखी गई सच्ची रामायण को हिंदी में अनुवाद किया था। और उस किताब में क्या लिखा हुआ था, उस किताब में जितने भी वाल्मीकि रामायण के जो कैरेक्टर थे, जैसे कि राम थे, सीता थी, दशरथ थे, उन सबका चरित्र हनन किया गया है। तो यहां पर सवाल यह उठता है कि एक तरफ ये भीमटे या दलित विचारधारा के लोग रामायण को नहीं मानते, राम को नहीं मानते, कृष्ण को नहीं मानते, किसी को भी नहीं मानते, लेकिन उसके बावजूद ये लोग शंभुक वध को मानते हैं और शंभुक वध के वजह से राम को गाली देते हैं। ये कहते हैं कि शंभुक इनका बाप था और राम ने उसकी हत्या की थी। अबे मूर्खों, मुझे एक बात बताओ, जब रामायण थी ही नहीं, जब रामायण काल्पनिक थी, तो शंभुक वध कहाँ से आ गया, शंभुक कहाँ से आ गया? ये यहाँ पर इस ललई सिंह यादव का दोगलापन नजर आता है। और ये लोग जो एक बात बताते हैं कि ललई सिंह यादव ने 33 करोड़ देवी देवताओं को कोर्ट में हरा दिया था, तो ये बात एकदम गप है। गप क्यों है कि हुआ ये था कि जब ललई सिंह यादव ने पेरियार स्वामी नायकर की किताब का हिंदी में अनुवाद किया था, तो उत्तर प्रदेश और बिहार जो हिंदी बेल्ट हैं, यहाँ पर उस किताब का विरोध हो गया था। वहाँ की सरकारों ने इस किताब के ऊपर विरोध लगा दिया था। फिर उसके बाद ललई सिंह यादव इसके खिलाफ कोर्ट में चला गया था और कोर्ट ने ललई सिंह यादव के पक्ष में जवाब दिया और पक्ष में फैसला ये सुनाया कि किसी भी सरकार को किसी भी किताब के ऊपर बैन लगाने का अधिकार नहीं है। सिर्फ इतनी सी बात थी, लेकिन ये लोग प्रचारित करते हैं कि 33 करोड़ देवी देवताओं को हरा दिया। अरे कोर्ट कभी भी धर्म के ऊपर फैसला सुनाता ही नहीं है, कोर्ट तो संविधान के ऊपर चलता है। लेकिन ये लोग अपनी कुंठित मानसिकता जो इनकी हिंदू धर्म के प्रति है, सनातन धर्म के प्रति है, उसके वजह से ये लोग दिन रात हिंदू धर्म सनातन धर्म को गालियां देते रहते हैं और यादवों को अपने साथ जोड़ने के लिए यादवों को शूद्र बताने का प्रयास करते रहते हैं। तो मैं आप लोगों को बताता हूं दोस्तों, ललई सिंह यादव यादवों का महापुरुष नहीं है, बल्कि ललई सिंह यादव जाटव था, जाटवों का महापुरुष है। लेकिन यादवों को शूद्र बनाने के लिए ललई सिंह यादव को दलित विचारधारा के लोग यादवों का महापुरुष बताते हैं। और इसमें इन लोगों ने चंद ऐसे लोगों को शामिल कर लिया है जिनके नाम के पीछे यादव लगा हुआ है, आप लोग सोशल मीडिया के ऊपर देखते होंगे, जैसे कि शूद्र लाल प्रताप यादव, शूद्र अचल सिद्धार्थ यादव, यादव शक्ति पत्रिका वाला शूद्र चंद्रभूषण यादव और एक शूद्र शिवशंकर यादव है। इन सभी लोगों ने मिलकर सोशल मीडिया पर यादवों को शूद्र बनाने के लिए एक प्रोपागेंडा चलाया है और ये दिखाने का काम कर रहे हैं कि यादवों को हिंदू धर्म ग्रंथों में शूद्र बताया गया है। लेकिन ये सरासर झूठ है। जरूर हिंदू धर्म ग्रंथों में यादवों के लिए कहीं कहीं गलत बातें भी लिखी गई हैं, लेकिन मैंने वेद और पुराण पढ़े हैं, उन वेद और पुराणों में यादवों के लिए बहुत सारी अच्छी बातें भी लिखी गई हैं। तो हमारा यह दायित्व बनता है कि हम जो अच्छी बातें हैं उसको प्रचारित करें। जरूर यादव समाज को पाखंडवाद का विरोध करना चाहिए, अधर्म का विरोध करना चाहिए, अंधविश्वास का विरोध करना चाहिए, लेकिन धर्म का विरोध नहीं करना चाहिए। राजनीति अपनी जगह, समाज अपनी जगह और धर्म अपनी जगह। राजनीतिक रूप से आप जिस पार्टी को समर्थन करना चाहते हो उस पार्टी को समर्थन कीजिए, लेकिन धर्म का विरोध करना गलत है, समाज का विरोध करना गलत है। अब मैं आप लोगों के कुछ सवाल ले लेता हूं, अगर कोई मुझसे तर्क करना चाहता है तो वो भी तर्क करे, मैं उसका एक एक करके जवाब भी दूंगा। तो यहाँ पर कोई है जो सवाल पूछना चाह रहा हो? अभी तक आप लोगों ने जितने भी सवाल पूछे मैं उनका जवाब नहीं दे पाया। अच्छा, मैं धीरे धीरे एक एक लोगों का सवाल पढ़ लेता हूँ। शिव कुमार यादव कौन है, फेसबुक वाला प्लीज रिप्लाई। तो उत्कर्ष यादव जी पूछते हैं शिव कुमार यादव कौन है,
तो उत्कर्ष जी मैं आपको बता दूं, शिव कुमार यादव, एक यादव सेना चलती है उत्तर प्रदेश के अंदर, पूर्वांचल के अंदर, बताया जाता है कि उनके अध्यक्ष हैं। वीर अहिर बोलते हैं भाई जाटव जाटव रहा है, उसने कभी अपने आप को हिंदू नहीं समझा। बिल्कुल वीर अहिर बाप एकदम सही बोल रहे हैं। एस वाई गुड़ ओम यादव जी, धन्यवाद भाई। अच्छा सुजीत कुमार जी हाय बोलते हैं, हाय मेरे भाई। शिव कुमार नीतीश यदुवंशी बोलते हैं शिव कुमार यादव नहीं जाटव है। बिल्कुल शिव कुमार यादव एक, अब मुझे नहीं पता कि क्या है, लेकिन बताते हैं कि वो एक जाटव है। टेक कुणाल भाई, यादव और जाटव में क्या डिफरेंट है? टेक कुणाल जी पूछते हैं यादव और जाटव में क्या डिफरेंस है, तो भाई मैं इनको बता दूं, मुझे नहीं पता कि ये यादव है कि जाटव है, लेकिन मैं बता दूं, यादव और जाटव में जमीन और आसमान का अंतर है। यादव अगर सूरज है तो जाटव पैरों की धूल है। बिल्कुल मैं किसी भी समाज के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन यादव और जाटव का कंपैरिजन किसी भी तरीके से नहीं किया जा सकता है। युवराज सिंह यदुवंशी जी बोलते हैं यादव सेना वाले कुटुंब ऐप पर भी घुस गए हैं। बिल्कुल भाई आप लोगों की बात सही है, घुस गए, लेकिन इसके लिए कुटुंब ऐप के जो मालिक हैं उनसे बात करनी पड़ेगी। हालांकि यादव सेना के सभी लोग गलत नहीं है, लेकिन ये लोग कहीं ना कहीं दलित विचारधारा को, मैंने भी देखा है, लोग प्रचारित और प्रसारित करने का काम कर रहे हैं। अंशु यादव जी बोल रहे हैं जय यदुवंश जय श्री कृष्ण जी, जय यदुवंश भाई जय श्री कृष्ण। मैक्सवेल यदुवंशी जय यदुवंशी क्षत्रिय यादव, जय यदुवंशी क्षत्रिय यादव भाई, यदुवंशी क्षत्रिय कल्चर, यादव यदुवंशी अहिर, बिल्कुल बिल्कुल, जाट बाप और दलित माँ की वायु, ठीक है। कृष्णा यदुवंशी जी बोलते हैं जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण में कृष्णा भाई। धर्मेंद्र यादव नमस्ते, नमस्ते जी। तो यादव का काहे लगाते हैं नाम पर, तो यादव राज यादव जी पूछते हैं कि जाटव समाज के लोग हैं यादव क्यों लगाते हैं। दोस्तों एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है कि आजकल जो जाटव समाज के लोग हैं ये लोग अपना सरनेम भी यादव लगाने लगे हैं। मैंने खुद ऐसे बहुत लोगों को देखा है जिसमें जाटव समाज के लोग अपना सरनेम यादव लगाने लगे हैं, और ये एक बहुत बड़े विडंबना वाली बात हो रही है। यहाँ पर इनका पर्दाफाश करना बहुत जरूरी है। संदीप यादव जी बोलते हैं हरपाल देव यादव कौन है, इनके ऊपर जरूर मैं एक विस्तार से वीडियो लाऊंगा, आप लोग जरूर देखिएगा। और दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक इसको लाइक नहीं किया तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं देख रहा हूँ सभी लोग इसको लाइक नहीं कर रहे हैं, लाइक कर दीजिए, इससे हमारा थोड़ा हौसला बढ़ता है। जाटव शूद्र है। चंद्रकांत भाई ये पढ़ के झूठा है भाई, पर मैं ही अच्छा लगता है भाई, समझ नहीं आया चंद्रकांत जी क्या बोला आपने। यादव अगर ग्वाला अलग है, क्या लिखा है भाई, यादव अजर ग्वाला अलग है, पता नहीं इन्होंने क्या लिखा है। जाटव भंगी, ठीक है भाई ऐसे मत बोलिए किसी को। जय श्री राम, पावर हाउस भंगी के मुंह मत लगो। नहीं भाई हम किसी के मुंह नहीं लगते हैं, दलित विचारधारा वाले संगठन खुलकर विरोध करिए। दोस्तों लगता तो है कि अगर इन संगठनों का विरोध करना पड़ेगा, लेकिन जब तक आप लोग मजबूती नहीं देंगे तब तक हम इनका विरोध नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों को मजबूती देनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे साथ जोड़ना पड़ेगा। एक बार आप लोग मुझे अच्छी तरह से सपोर्ट कर दीजिए, इन सारे संगठनों को हम लोग बंद करा देंगे, ठीक है। दुर्गेश यादव जी बोलते हैं मनोज यादव मूल निवासी का प्रचार करता है। जी जी बिल्कुल दुर्गेश जी आपने बिल्कुल सही बोला। युवराज सिंह यदुवंशी बोल रहे भाई आला उदल विकिपीडिया का क्या होगा। अच्छा युवराज सिंह यदुवंशी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है जो मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ। विकिपीडिया के ऊपर यादव समाज का जो इतिहास है, खासतौर पर आला उदल का जो इतिहास है, उसको बदल दिया गया है, और ये एक बहुत गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है हमारे समाज के लिए, लेकिन इसका कुछ इलाज नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि विकिपीडिया को चेंज करने के लिए एक ऐसे यूजर की आवश्यकता है जिसका ओल्ड अकाउंट हो, जो पहले से विकिपीडिया को इस्तेमाल करता हो, जिसके पास ज़्यादा एक्सेस हो। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर आपकी जानकारी में कोई भी ऐसा शख्स हो जो विकिपीडिया के ऊपर पुराना मेंबर हो, तो आप लोग कृपया करके मुझे सूचित कीजिए, क्योंकि विकिपीडिया को हम लोग चेंज कराना चाहते हैं, उस पर यादव इतिहास को बदल दिया गया है, उसको एक बार फिर से हम लोग बदलना चाहते हैं। तो कोई भी आपके नॉलेज में अगर विकिपीडिया का पुराना यूजर हो तो मुझसे एक बार बोलिए, वो संपर्क करें या मुझे उनका नंबर दीजिए, मैं खुद उनसे संपर्क करूंगा, क्योंकि हमारे पास इस वक्त अभी एक्सेस नहीं है। अजय यादव, यादव कुछ अपने फायदे के लिए करते हैं। बिल्कुल अजय भाई आपने बिल्कुल सही कही है, कुछ यादव हैं हमारे समाज के अंदर जो अपने फायदे के लिए, कह लीजिए राजनीतिक फायदे के लिए, या बीजेपी से नफरत करने के वजह से अपने आप को शूद्र कहने पर तुले हुए हैं।
यदुवंशी क्षत्रिय कल्चर। जय श्री राम, जय यादव, जय माधव, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण भाई, भाई चमारो से मुंह मत लगो। चिमटे नवबध पैदाइशी दोगला होता है, इससे सावधान। बिल्कुल चंदन कुमार जी ने एकदम सही बात कही है, हम ब्राह्मणों की मौत चुभ रहे हैं। देख यूके यादव जी बोल रहे हैं, ठीक है, ये उनका विचार है। हम किसी यहाँ समाज को एकदम नीचा नहीं दिखाना चाहते हैं। आपके इतने फॉलोअर शिव कुमार यादव के बारे में पता कीजिए। उत्कर्ष जी, हमें पता है उनके बारे में, एक दिन इनके बारे में जरूर ज्यादा जानकारी जुटा के हम आपको सूचित अवश्य करेंगे, ठीक है। पावर हाउस गुजर यादव, एकता जिंदाबाद, बिल्कुल बिल्कुल यादव जाट गुजर, जरूरी है कि हम सभी लोग एक साथ आ जाएं। दोस्तों इतने सारे सब्सक्राइबर हैं, 35,000 करीब सब्सक्राइबर हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ 119 लोग ही जुड़ पाए हैं। मैं चाहूँगा दोस्तों एक बार आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। रोहित कृष्णवत बोलते हैं, यादव को कट्टर जातिवादी बनना होगा भाई, इसमें हमारे सिंगर को हेल्प करना चाहिए। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि अब ज़रूर बनने की आवश्यकता है। जो समाज अपना इतिहास भूल जाता है, इतिहास उस समाज को भूल जाता है। तो कई लोग बोलते हैं कि जातिवाद गलत है, जातिवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर जातिवाद गलत है तो इस देश के अंदर जातिवाद क्यों है? सबसे पहले इस जाति को ख़त्म कीजिए, तो हम भी जातिवाद नहीं करेंगे। लेकिन जब तक जाति रहेगी तब तक हम लोग जातिवाद करेंगे। लेकिन जातिवाद का मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे समाज को गलत बोले। जब तक हमारे समाज को कोई गलत नहीं बोलेगा, हमारे भगवान को गलत नहीं बोलेगा, हमारी संस्कृति को गलत नहीं बोलेगा, हम उसको गलत नहीं बोलेंगे। यादव ब्रेन नितेश लक्ष्मी बॉन्ग मूवी पे बोलिए। अच्छा नितेश यदुवंशी जी बोल रहे हैं लक्ष्मी बॉम्ब मूवी के बारे में बताने के लिए, ये मेरा एक मुद्दा था। तो लक्ष्मी बॉम्ब के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। लक्ष्मी बॉम्ब नाम की एक मूवी आ रही है, 9 अक्टूबर को शायद रिलीज होने, 9 अक्टूबर चल रहा है शायद, अगले महीने 9 तारीख को रिलीज होने वाली है। इस मूवी के अंदर अक्षय कुमार किरदार निभा रहे हैं एक आसिफ नाम के कैरेक्टर का, और इनके जो अगेंस्ट में हीरोइन है, एक्ट्रेस है कायरा आडवाणी, वो प्रिया यादव का कैरेक्टर निभा रही है। इस मूवी के जरिए लव जिहाद को प्रमोट किया जा रहा है, दिखाने की कोशिश की जा रही है कि प्रिया यादव का संबंध आसिफ नाम के लड़के से है। अब आप में से बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल लोग होंगे वो सोच रहे होंगे कि इसमें आखिर कौन सी गलत बात है, तो मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों, इसमें एक बहुत बड़ा ये जानबूझकर एक षड्यंत्र के तहत किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि अक्षय कुमार की लक्ष्मी बॉम्ब नाम की मूवी साउथ की एक मूवी का रीमेक है, और उस साउथ वाली मूवी के अंदर लड़के और लड़की दोनों एक ही धर्म के होते हैं, एक ही धर्म के होते हैं, जैसे कि हिंदू ही होते हैं। लेकिन जब इसका रीमेक बॉलीवुड वालों ने बनाया तो हिंदू और मुस्लिम का एंगल लेके आ गए, उसमें भी लड़की को यादव बना दिया गया। यह जानबूझकर षड्यंत्र के तहत किया गया। क्यों किया गया? जिससे कि इनको TRP मिल सके, पब्लिसिटी मिल सके। बॉलीवुड वाले इसी तरह से करते ही रहते हैं। लेकिन अभी तक बड़े ही विडंबना की बात है, बड़े ही दुख की बात है कि हमारे समाज की तरफ से इस मूवी के लिए भारी विरोध देखने को नहीं मिला है। तो मैं आप सभी लोगों से चाहूँगा कि इस मूवी का आप लोग ढेर विरोध कीजिए, बहुत ज़्यादा विरोध कीजिए। जब तक हम लोग अपने समाज के लिए आगे नहीं आएंगे तब तक कोई दूसरा नहीं आएगा। आप कर्मी सेना वालों को देख लीजिए कि अपनी जाति के ऊपर कोई बात आती है तो वो लोग किस प्रकार से सड़कों के ऊपर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ हमारे समाज को इस मूवी के अंदर बदनाम किया जा रहा है, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग इनका विरोध नहीं कर पा रहे हैं। तो आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि इस मूवी का ज़्यादा से ज़्यादा विरोध कीजिए, और जितने भी यादव संगठन हैं वो सब के सब नाम के हैं, कोई भी इस तरह की चीज़ों का विरोध ही नहीं करता है। पंकज कुमार, हमें आपका बातचीत करने के लिए एक नंबर चाहिए। जी पंकज जी, मैं आप सभी लोगों से बोलूँगा कि जो भी लोग मेरे से बातचीत करना चाहते हैं वो सभी लोग मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कीजिए। इंस्टाग्राम की आईडी है ओम यादव के नाम से, @ओम यादव शो के नाम से इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे मैसेज कीजिए, वहाँ पर मैं आप लोगों से बात करूँगा और फिर मैं आपको नंबर वहाँ पर दे दूँगा। भाई लक्ष्मी बॉम्ब की क्या नौटंकी है, यादव लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? अंकित यादव जी, मैंने आपको बताया उस मूवी के अंदर आसिफ नाम का लड़का है और लड़की का नाम प्रिया यादव है। इस मूवी के जरिए लव जिहाद फैलाया जा रहा है, खासतौर पर यादव लड़की को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। समस्या इससे ये हो सकती है कि यादव समाज की जो लड़कियाँ हैं वो
आगे चल के हो सकता है अपने घरों से भागने लगे, मुसलमानों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होने लगे, इस तरह की चीज़ें समाज के अंदर उत्पन्न हो सकती हैं। और सवाल ये होता है कि आखिर इस मूवी में इस तरह का दिखाने की आवश्यकता क्या थी? क्या लड़का और लड़की दोनों हिंदू नहीं रह सकते थे जैसा कि इसकी रीमेक पिक्चर में था? लेकिन ऐसा इन लोगों ने नहीं किया, जानबूझकर टीआरपी के लिए इन लोगों ने ऐसा किया है। ये ब्रह्मदेव प्रसाद यादव जी बोले हूँ भाई, क्या यादव एंड ठाकुर भाई भाई हैं क्या, जैसे कि हमारे पुराणों में लिखा है? दोस्तों, अगर आप पुराणों की बात करेंगे, वेदों की बात करेंगे, तो सभी लोग भाई हैं, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे राजपूत हो, चाहे दलित हो, सभी लोगों का आपस में संबंध है, तो राजपूतों से भी है। लेकिन जो राजपूत समाज के लोग हैं, इनके बारे में कहा जाता है और देखा भी गया है कि यदु से यदुवंशी हुए, पुरु से पौरववंशी हुए, कुरुवंशी हुए, उन्हीं को आजकल ये लोग राजपूत बताते हैं। तो कह सकते हैं वेदों की माने तो सभी लोग भाई हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे। कुछ यादव, अजय यादव जी बोल रहे हैं कुछ यादव अपने फायदे के लिए करते हैं, बिल्कुल सही बात, ठीक है सर। यादव लिखने पर रिजर्वेशन नहीं मिलता और अहिर लिखने पर मिलता है, इसके बारे में बताइए। वीर अहिर जी, मैंने तो ऐसा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि ऐसी कोई समस्या है, बाकी मैं इसके ऊपर ज़रूर थोड़ा और पता करूंगा, और बाकी किसी और को पता हो तो इस बारे में बताइए। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि यादव लिखने पर नहीं मिलता होगा, अहिर लिखने पर मिलता होगा। यादवों को कट्टर जातिवादी बनना होगा, बिल्कुल ज़रूरी है। दुर्गेश यादव जी बोलते हैं मनोज यादव कौन है? मनोज यादव देखिए, एक उत्तर प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय यादव सेना नाम का एक संगठन चलता है, दावा लोग करते हैं कि यादवों के संगठन है, और उसी का अध्यक्ष है मनोज यादव। नितेश यादव जी बोल रहे लक्ष्मी बॉम्ब मूवी पर बोलिए, बोल दिया मेरे भाई। गौरव यादव जी बोले मजबूती के लिए क्या करें? गौरव यादव जी, यादव समाज की सबसे बड़ी समस्या ये है इनके बीच में एकजुटता ना होना, विचारों का समन्वय ना होना, क्योंकि यादव समाज का क्षेत्र जहाँ बदलता है वहाँ यादव समाज की विचारधारा बदल जाती है। कहीं ये राजनीति से प्रेरित होती है तो कहीं किसी और कारणों से प्रेरित होती है। एकजुटता और मजबूती तभी आएगी जब यादव समाज के लोग राजनीति करना कम करेंगे और समाज के लिए सोचना ज़्यादा शुरू करेंगे। तो समाज के लिए सोचिए, राजनीति जो लोग कर रहे हैं उनको करने दीजिए, और ज़रूर राजनीति के लिए आप दलितों को अपने साथ मिलाइए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे यादव नेताओं को देखिए, चाहे लालू हो, मुलायम हो, तेजस्वी हो, तेज प्रताप हो, अखिलेश हो, ये सभी लोग दलितों को अपने साथ रखते हैं। इन सभी लोगों ने दलितों को अधिकार दिलाने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं, लेकिन कभी इन लोगों ने दलित विचारधारा को स्वीकार नहीं किया, कभी इन लोगों ने अपने आप को शूद्र नहीं बोला, यहाँ तक कि अखिलेश यादव ने अपने आप को क्षत्रिय ही बोला था, ठीक है। और इन्होंने कभी दुर्गा को गाली नहीं दी, कभी काली को गाली नहीं दी, कभी कृष्ण को काल्पनिक नहीं बोला, कभी इस तरह का काम नहीं किया है। भाई, ये राजनीति के चक्कर में सब हो रहा है, बिल्कुल चंद्रकांत यादव जी बोल रहे हैं, बिल्कुल राजनीति के ही चक्कर में हो रहा है। उत्कर्ष यादव जी बोलते हैं बीएसपी का एक नेता है, वो चमार है, आगरा का है, और उसका नाम यादव सिंह है। बिल्कुल उत्कर्ष यादव जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोली है। आप सभी लोग जानते होंगे यादव सिंह नाम का एक आदमी था जो भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़ा गया था, नाम उसका यादव सिंह था। आप देखिए, इसके नाम से कोई भी सोच सकता है कि ये एक यादव है, लेकिन ये यादव नहीं, एक दलित है। तो आजकल दलित समाज के लोग षड्यंत्र के तहत, दलित विचारधारा के लोग षड्यंत्र के तहत यादव सरनेम का इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हैं, ये इससे बचने की आवश्यकता है। भाई, मैं तो पहले दिन से आपके साथ हूँ, पावर हाउस बोलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद पावर हाउस जी। भीमते जाटों और गुजरों को टारगेट क्यों नहीं करते, इसमें क्या षड्यंत्र है? दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है, भीमते जाटों और गुजरों को टारगेट क्यों नहीं करते, यह आपको समझना पड़ेगा। ये टारगेट इसलिए नहीं करते क्योंकि जाट और गुजर उत्तर प्रदेश के अंदर, इन लोगों की राजनीतिक मजबूती नहीं है, और ये जानते हैं कि उनको टारगेट करके इनको कोई फायदा नहीं होने वाला है। जाट समाज के लोग और गुजर समाज के लोग अपने आप को कभी भी शूद्र नहीं मानते हैं, लेकिन हमारे ही समाज के लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश में और बिहार के अंदर कई हैं जो अपने आप को शूद्र मानने लगे हैं। तो जब आपका खुद ही समाज अपने आप को शूद्र मानने लगा है कुछ जगहों पे,
तो दूसरे समाज के लोग तो आपको शूद्र बनाएंगे ही। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सुना है कि जाटों ने और गुजरों ने अपने आप को शूद्र कहा हो? कभी नहीं, उन्होंने अपने आप को शूद्र कभी कहा ही नहीं है और ना ही वो कहेंगे, क्योंकि जाट और गुजर एक मार्शल कौम है जैसे यादव है, लेकिन वो लोग समाज और राजनीति और धर्म इन तीनों को अलग रखते हैं। लेकिन हमारे समाज के साथ समस्या ये है कि हम लोग इन तीनों को अलग रख ही नहीं पाते हैं, हम राजनीति के चक्कर में कुछ भी करने को तैयार हैं। ये बहुत ही गलत बात है यादव समाज की। अच्छा, यहाँ पर एक मुगल पूत आ गया है अभिनव सिंह नाम का। धर्मेंद्र यादव जी बोलते हैं, भैया जी आपका व्हाट्सएप नंबर चाहिए, हम आपके साथ हैं, जय यादव जय माधव। धर्मेंद्र यादव जी इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए। देखिए, सार्वजनिक रूप से मैं आप लोगों को नंबर नहीं दे सकता हूँ, आप समझ सकते हैं, फिर मुझे बहुत सारे मैसेज आने लगते हैं और सबसे बात कर पाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, और ना बात करो तो कुछ लोग नाराज़ हो जाते हैं। तो माफ़ कीजिए, डायरेक्टली नंबर मत मांगिए, मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, आपसे बातचीत करेंगे, फिर नंबर ले लिया जाएगा। ओम यादव, यादव नहीं है साला, विदेशी रहा है। ओम यादव, यादव नहीं साला, विदेशी। अच्छा, एक यूके यादव करके जो मुझे विदेशी बता रहा है, अब मुझे नहीं पता कि यादव है या नहीं, लेकिन आप देख लीजिए कि भीमटे इसी की तरह होते हैं, ये नाम के पीछे यादव लगाते हैं लेकिन ये यादव होते नहीं हैं, और इन्हीं के चक्कर में जो दूसरे यादव हैं वो भी भ्रमित हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए। एसके यादव, जय यादव जय माधव, जय यादव जय माधव भाई। फिर क्या किया जाए, फिर क्या ही कर सकते हैं दोस्तों। यादव समाज के बीच में एकजुटता बनाइए, एकजुट रहेंगे तभी हमारा समाज तरक्की कर पाएगा, तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग और सवाल मैं ले लेता हूँ। राव बॉय बोलते हैं, जय दादा कृष्ण जय दादा कृष्ण। 1000 या 2000 पता नहीं। अक्षय कुमार को मैं अच्छा समझता था, नितेश जी बोलते हैं अक्षय कुमार को मैं अच्छा समझता था। देखिए नितेश जी, अच्छा और बुरा कुछ नहीं होता है, ये लोग बॉलीवुड के कलाकार हैं, इनको जहाँ पैसा मिलता है ये उसी में चले जाते हैं, ये लोग पैसे के भूखे हैं, इनको समाज से, देश से, धर्म से कोई मतलब नहीं होता है। बॉयकॉट लक्ष्मी बॉम्ब मूवी, बिल्कुल आप लोग इसका बहिष्कार कीजिए, बॉयकॉट कीजिए। अबे यार, मेरे क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं दे रहे? कौन सा सवाल है भाई तुम्हारा? टेक कुणाल जी पूछे सवाल, मैं शायद मिस हो गया होगा। राजपूत रंडीपूत होते हैं, ये चंदन ये दोनशी का कहना है भाई, मेरा कहना नहीं है। सिंह की जात क्या है पता नहीं। एस वाई जी पूछते हैं सिंह की जात क्या है, तो मैं आपको बता दूँ एस वाई जी, सिंह कोई जाति नहीं थी, सिंह कोई जाति नहीं होती है, सिंह एक उपाधि होती है जो क्षत्रिय राजाओं के लिए इस्तेमाल की जाती थी। और अगर ऐतिहासिक दृष्टि से बात की जाए तो सबसे पहले सिंह शब्द का इस्तेमाल यदुवंशियों के लिए, अहिर राजाओं के लिए किया गया था। इसके ऊपर मैंने बकायदा एक वीडियो बनाई है, आप लोग जाके मेरे चैनल के ऊपर देख सकते हैं, सिंह शब्द का पूरा इतिहास मैंने बताया है। वीर अहिर बोलते हैं, यादव लिखने पर रिजर्वेशन नहीं मिलता और अहिर लिखने पर मिलता है, इसके बारे में बताइए। वीर अहिर जी, मैंने आपको बताया कि मुझे इसके बारे में अभी जानकारी नहीं है, मुझे तो लगता है कि मिलना चाहिए और मिलता होगा। अखिलेश यादव जी बोलते हैं, एसपी और आरजेडी वाले इनका विरोध नहीं करने देते, इट इज़ अ फैक्ट, वोट के खातिर। देखिए दोस्तों, ये लोग राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे एसपी हो चाहे बीएस, चाहे एसपी हो चाहे आरजेडी हो, इन लोगों को सभी वर्गों का वोट चाहिए, तो ये लोग किसी भी वर्गों का विरोध नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग तो कर सकते हैं। मैं तो आप लोगों को सिर्फ ये कहता हूँ कि इन लोगों का वोट लीजिए, राजनीति के लिए इनको इस्तेमाल कीजिए, लेकिन इनकी विचारधारा का मत बनिए। देखिए, इनका आप विरोध करेंगे, ये लोग कहीं नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि इनके सबसे बड़े दुश्मन बीजेपी वाले हैं, और समस्या ये है कि ये लोग बीजेपी के साथ भी मिल जाते हैं। ये लोग यादवों के कंधे का इस्तेमाल सत्ता प्राप्त करने के लिए करना चाहते हैं, ये लोग राजा बनना चाहते हैं और यादवों को सेनापति बनाना चाहते हैं। गुड्डू यादव, यू आर ट्रू भैया, धन्यवाद भाई। चंद्रवंशी ठीक है। तेजो महल ऑफ शिवा, भाई यादव जाति है और अहिर यादवों की उपाधि है, ठीक है। भैया यादव समाज लेकर रहा जाओगे, संपूर्ण हिंदू समाज बनाओ,
भाई देखो, हिंदू समाज तो बना ही हुआ है, लेकिन हिंदू समाज की विडंबना है कि यादव समाज में कि जातियों में बटा हुआ है। तो जब तक जाति है तब तक बात तो करनी पड़ेगी, क्या कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सवेल बोलते हैं, यदुवंशी क्षत्रिय यादव अहीर सेना बना ओम यादव भाई। दोस्तों संगठन दरअसल बहुत सारे हैं, लेकिन यादवों के जितने भी संगठन हैं वो सब के सब राजनीति ही कर रहे हैं। ठीक है, तो यही एक बहुत बड़ी यादव समाज की समस्या है। देखते हैं बाकी आपके ऊपर विचार किया जाएगा। एलविश यादव जी, सबका नाम ले लेता हूँ। एलविश यादव जी, बॉयकॉट लक्ष्मी बॉम्ब, जय यादव, जय माधव। ठीक है, देश में महाभारत की जरूरत है, यादव अमित जी बोलते हैं। बिल्कुल लगता तो है भाई, जरूरत तो है, अब लग रही है मेरे को भी। मिस्टर अहिर, ठीक है, यादवों को बहुत टॉर्चर किया जा रहा है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के अंदर जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, जाहिर सी बात है यादव समाज से कुछ बन नहीं रही है योगी सरकार की, और यादव समाज को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। ये राजनीतिक सवाल है, राजनीतिक रूप से यादव समाज इसका जरूर जवाब देगा। और बताइए, किसी कोई भी दलित विचारधारा का यहाँ पर हो, कोई तर्क करना चाहता हो तर्क करें, हम उनके सवालों का जवाब देंगे। सभी यादव व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, और जो दो यादव पर बात वीर है साले, फेक आईडी। अच्छा जी, और देखिए और बताइए, कुछ बात की जाए। चमार राजपूतों को टारगेट क्यों नहीं करते। संदीप यादव जो पूछ रहे हैं कि फलाना जाति जो चमार राजपूतों को टारगेट क्यों नहीं करते, करते हैं दोस्तों, उनको भी करते हैं। उनसे तो इनका 36 का आंकड़ा चलता है, क्योंकि उनके ऊपर तो ये लोग अत्याचार करने का आरोप लगाते हैं। यादव सर नेम चोरी कर रहे हैं तो हम लोग अहिर लिखेंगे। यादव भी हमारा है, अहिर भी हमारा है, इनको रोकना पड़ेगा। गुज्जर जाट ग्वाला नहीं होते भाई, और ग्वाला कोई नहीं होता। दाढ़ी छोड़ दो बीजेपी की, अगली बार केवल साथ नहीं बजेंगे, अगली बार केवल साथ नहीं बजेंगे। पता नहीं यूके यादव जी क्या बोल रहे हैं भाई, क्योंकि राजपूतों में एकता है और हमारे समाज में एकता नहीं है, ये युवराज जी बता रहे हैं। बिल्कुल है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आज हर समाज के अंदर एकजुटता है, चाहे राजपूतों की बात कर लीजिए, चाहे दलितों की बात कर लीजिए, केवल यादव समाज ही ऐसा समाज है जिसके अंदर एकजुटता नहीं है। हम लोगों के अंदर एकजुटता नहीं है, क्योंकि हमारा समाज राजनीति की वजह से बटा हुआ है। मैं ओम यादव, शूद्र तू सबसे पहले रिजर्वेशन लेना छोड़ दे, फिर दूसरे के बाप को अपना बाप बना शूद्र। एक आरएम करके है वो बोल रहा है रिजर्वेशन लेना छोड़ दे। तो मैं इससे पूछता हूँ भाई आरएम, ये तो शूद्र लग रहा है मेरे को, क्या रिजर्वेशन तेरे बाप का है या तेरे बाप ने दिया है? रिजर्वेशन यादवों को एक यादव ने ही दिया है, बीपी मंडल साहब ने दिया है। मंडल आयोग की सिफारिश पर ओबीसी को आरक्षण दिया गया था, और ओबीसी का कोई भी संबंध वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था से नहीं है। ओबीसी एक संवैधानिक प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया के तहत आरक्षण दिया गया है, और जब हमें छोड़ना होगा तो हम छोड़ देंगे। लालजी मुंडा, ओम यादव तुम अनपढ़ ही नहीं मूर्ख भी हो। लालजी मुंडा जी हमें मूर्ख बता रहे हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये भीमटेक कितने बड़े दोगले होते हैं, और इनसे बड़ा दोगला शायद इस दुनिया में कोई होगा नहीं, क्योंकि ना ही इनकी विचारधारा होती है और ना ही इनके पास तर्क होता है। अक्षय यादव, पुलिस दिवस, नेवी दिवस, रजांगला दिवस हमारे यादव भाइयों के बलिदान की वजह से मनाया जाता है। बिल्कुल अक्षय यादव जी, बहुत जबरदस्त बात कही है आपने, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है। रमेश सिंह यादव, मैं तो आपको देखकर खुश होता था, चलिए कोई तो है जो यादवों के प्रति इतना जागरूक, लेकिन अफसोस कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं। अच्छा जी, रमेश यादव जी बोल रहे हैं कि वो दुख, उनको बड़ा दुख हुआ है, तो मुझे समझ में नहीं आया कि उनको दुख क्यों हुआ है, क्योंकि हम तो यादव समाज के लिए ही बात कर रहे हैं। अगर मैं दलित विचारधारा के लोगों के खिलाफ बोल रहा हूं, इस बात से इनको दुख हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये स्वयं दलित विचारधारा के हैं, इसीलिए इनको दुख हो रहा है। दोस्तों मेरे लिए कोई प्रिय नहीं है, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं सिर्फ अपने समाज की ही बात करता हूँ। जो भी हमारे समाज का बुरा चाहता है, जो भी हमारे समाज के लिए
गलत है, जो भी हमारे समाज के लिए खतरनाक है, हम उसका विरोध करते हैं। रमेश यादव जी, ये दलित विचारधारा के लोग आपको शूद्र बनाना चाहते हैं, आपका इस्तेमाल करके राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। हम तो आपसे केवल यही कह रहे हैं कि आप दलितों का राजनीतिक रूप से समर्थन कीजिए, अगर ये लोग समर्थन करते हैं तो लीजिए, लेकिन इनकी विचारधारा का शिकार मत बनिए, क्योंकि इनकी नज़र में आप भी नीच जाति के हैं, आपको भी ये लोग अपने ही बराबर मानते हैं, लेकिन इन लोगों को आपका यानी यादव समाज का इतिहास नहीं पता है। आप इनको बताइए लेकिन ये लोग मानेंगे नहीं। ठीक है, और हमारे ऋषि यदुवंशी जी बोलते हैं, हमारे यादव समाज के इतिहास को विकिपीडिया पर एडिट हुए, आप क्या बोलते हैं इस पर? ऋषि यदुवंशी जी, मैं इस पर ऑलरेडी बोल चुका हूं, अगर आप में से कोई भी हो जो विकिपीडिया की जानकारी रखता हो, जिसके पास विकिपीडिया का एक्सेस हो, जो पुराना यूजर हो, वो मुझसे संपर्क कीजिए, क्योंकि विकिपीडिया पर यादवों के इतिहास को बदला जा रहा है और इसको हमें रोकने की आवश्यकता है, जरूरी है। ओम भैया की जय, धन्यवाद मेरे भाई, जय यादव, जय माधव भाई, मेरा आंसर दो। अमीर गोप यदुवंशी बंधु निमित झारखंड से, जय यादव, जय यादव, जय माधव, अमीर गोप भाई। एक बार आप सबके नाम ले लेता हूँ, उसके बाद अब इस वीडियो को एंड करेंगे, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है। वीर रहीत, धन्यवाद भाई। रघुराज यादव, एम बी धोनी, ओम भैया की जय, धन्यवाद मेरे भाई। संदीप भाई, क्वेश्चन क्या है? सत्ता तो हमारी रहनी चाहिए, बिल्कुल अक्षय भाई। रमाकांत यादव, शूद्र बन गए हैं। दोस्तों, रमाकांत यादव ने कहा था कि वो शूद्र लगाएंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने शूद्र नहीं लगाया है, तो आप सोच सकते हैं कि उन्होंने सिर्फ राजनीति के लिए बयान दिया था, वो शूद्र नहीं बने हैं। जय यादव, जय माधव, राजनीतिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा, तभी यादवों का विकास होगा। आज भी यादवों के प्रति बहुत भेदभाव हो रहा है, उत्तर प्रदेश में यादव प्रशासन में अछूत माना जा रहा है, रमेश सिंह यादव जी बोल रहे हैं। रमेश सिंह यादव, इसका जवाब मैंने ऑलरेडी दे दिया, यादव समाज को राजनीतिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। यादव समाज के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर जरूर दुर्व्यवहार किया जा रहा है सरकार की तरफ से, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दलित विचारधारा के बन जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप को नीचा मानने लगे, कोई ज़रूरत नहीं है, और इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने ही भगवान कृष्ण को गाली देने लगे। आप बीजेपी का विरोध कीजिए, हम खुद करते हैं, आप यदु टीवी पर देख लीजिए, लेकिन हम अपने कृष्ण को गाली देने के खिलाफ हैं, अपने भगवान को गाली देने के खिलाफ है। आपस में एकता बना के रखो, बाकी तुम देख ही रहे हो ये लोग क्या बोल रहे हैं, श्री कृष्ण और देवी देवताओं को। एक जड़ेजा है, पता नहीं नाम क्या है, मनदीप सिंह जड़ेजा, बिल्कुल सिंह से सही बात कही है, नाम की किताब छाप के पूर्वांचल के एक बिहार के यादवों के घर घर पहुंचाना चाहिए। अखिलेश यादव जी बोलते हैं कि यादवों के ऊपर इतिहास लिखकर पहुंचाना चाहिए, बिल्कुल जरूरी बात, बहुत सही है। तो दोस्तों, अब समय हो गया है कि मैं इस वीडियो का अंत कर दूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है, 43 मिनट की वीडियो हो गई है। आज पहली बार मैं लाइव वीडियो के माध्यम से आप लोगों से जुड़ रहा था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, आप लोगों ने बड़ा सहयोग किया, और इसी तरह से अब हम लोग हर संडे को, आज सैटरडे था, लेकिन हर संडे को लाइव वीडियो के माध्यम से जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा यादवों को जोड़ने का प्रयास कीजिए इस चैनल के ऊपर। आप लोगों से मुलाकात मैं करूँगा किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय यादव, जय माधव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे,